हेलो नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम है जाकर शर्मा और ये जो है वो है बोट वॉच फ्लैश। और ये वाली वॉच जो है वो 2500 के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार वाले फीचर्स जो है वो ऑफर करती है। काफ़ी ज़्यादा शानदार वाली इसका डिज़ाइन है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न टाइप। और आज इस वाली वीडियो के अंदर करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू। तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे भाइयों। तो फिर सबसे पहले बात करूँ डब्बे की, तो जैसे कि लोग देख सकते हो डब्बे के आगे ही आगे जो है वो घड़ी बनी हुई है बड़ी से। यहाँ पे 6:35 जो है वो हो रहे हैं 34 मिनट। और जैसे कि देख सकते हो तो यहाँ पे नाम जो है लिखा हुआ है बोट वॉच फ्लैश, इधर की तरफ जो है वो फ्लॉन्ट योर फिटनेस लिखा हुआ है और यहाँ पे स्लिम मेटेलिक डिजाइन लिखा हुआ है। कोने में जो है वो बोट का लोगो बन रहा है, साइड में बोट और ऊपर नीचे हर जगह जो है वो बोट लिखा हुआ है। और पीछे की तरफ के सारे स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलते हैं। स्पेसिफिकेशन के अंदर आपको 3.3 इंच की LCD डिस्प्ले, कॉल और टेक्स्ट नोटिफिकेशन, कैमरा वगैरह कंट्रोल, वेदर फोरकास्ट, दुनिया की चीजें देखने को मिलती हैं। और साथ ही साथ यहां पे इसकी फोटो बनी हुई है, IP68 की वाटर रेजिस्टेंस बनी हुई है। और अब जो है अपन इसकी सील को खोल लेते हैं। डब्बा खुलने के बाद जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि वॉच जो है वो अलग पड़ी हुई है, स्ट्रैप जो है वो अलग पड़े हुए हैं। अपन अगर स्ट्रैप्स को बाहर निकालें तो ये वाली चीज है बाहर निकल जाती है, सिर्फ और सिर्फ घड़ी अंदर बचती है। और इसको अगर अपन खोलें तो फिर इसके अंदर से इसका चार्जर निकलता है, साथ ही साथ इनके कोलैबोरेशन वगैरह के ऑडियो पार्टनर दुनिया भर के पैम्पलेट्स निकलते हैं जहां पर अपने क्रिकेटर्स की फोटोज बनी हुई हैं। यहां पे ऐप वगैरह डाउनलोड करने का बारकोड भी दे रखा है, जो भी काफी अच्छी वाली बात है। और इधर की तरफ आपको एक IAM बोट हेड का स्टीकर देखने को मिलता है। जैसे कि लोग देख सकते हो मैं वॉच के ऊपर से ये वाली पन्नी जो है वो उतार रहा हूं और घड़ी जो है वो काफी ज्यादा स्टर्डी बिल्ड क्वालिटी की आपको देखने को मिल रही है। पूरा का पूरा मेटालिक डिजाइन है जो कि काफी अच्छी बात है। और टू बी ऑनेस्ट काफी ज्यादा ठंडी भी हो रही है वाली घड़ी। आगे की तरफ आपको ग्लास देखने को मिलता है, इधर की तरफ एक रोटेटिंग डायल और यहाँ पीछे की तरफ को कार्बन फाइबर वाली फिनिश जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पे बोट की ब्रांडिंग है और यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल रहा है, पीछे की तरफ हार्ट रेट सेंसर भी आपको पीछे की तरफ देखने को मिल रहा है। तो इस वाली घड़ी को मैं कर लेता हूँ स्टार्ट। इस वाले बटन को अगर मैं दबा के रखता हूँ तो यह वाली घड़ी ऑन हो जाती है भयंकर वाले वाइब्रेशन के साथ में और बोट लिखा हुआ है और डायरेक्ट ऑन हो जाती है। यहाँ पर कोई सा भी आपको बूट एनिमेशन या बूटिंग टाइम जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। बैंड्स अटैच करने के लिए आपको ये वाले बैंड्स जो है वो यहाँ पे फंसाने पड़ेंगे। एक बार आपने यहाँ फंसा दिया तो फिर ये छोटी सी कुंदी की वजह से आप यहाँ पर ये वाला बैंड जो है फंसा सकते हो। दोनों के दोनों बैंड मैंने यहाँ पे फंसा लिए हैं और अब जो है वो घड़ी प्रॉपर घड़ी वाली फिनिश जो है वो दे रही है। तो सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पे घड़ी की ओवरऑल फॉर्म फैक्टर की। जो फॉर्म फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है, काफ़ी ज़्यादा रजेट फील यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। पूरा मेटल का डिज़ाइन है तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा शानदार वाली बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। जो बैंड्स की क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे बोट की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल रही है इधर भी और इधर इस मेटेलिक पार्ट के ऊपर भी। इधर इन लोगों ने मेटल के अंदर ही जो है वो स्पोर्ट्स वॉच यहाँ पे लिखा हुआ आपको देखने को मिलता है। और बड़ी सैड बात है कि घड़ी जो है वो टच से ही कंट्रोल कर सकते हो, आप इस वाली चीज़ से कंट्रोल नहीं सकते इसको घुमा फिरा के, तो ये बेकार बात है काफी ज्यादा। और मैं बात करूं इस वाली घड़ी की UI की तो फिर यहाँ पे आपको टाइम वगैरह देखने को मिलता है, जो भी टाइम वगैरह चल रहा है यहाँ पे आपको वार वगैरह देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा ऊपर करोगे तो यहाँ पे स्टेप काउंटर आएगा, यहाँ पे आपका जो हार्ट रेट वगैरह है वो आएगी। थोड़ी सी देर तक ऑन करके रखोगे तो फिर ये हार्ट रेट जो है वो नापने लग जाएगी। जैसे कि लोग देख सकते हो हरी हरी लाइटें चमक रही हैं। और ऊपर नीचे करोगे तो फिर यहाँ पे आपको स्लीप मॉनिटरिंग देखने को मिलेगी। और थोड़ा सा नीचे करोगे तो फिर यहाँ पे आपको वेदर देखने को मिलेगा, आपके आसपास क्या वेदर चल रहा है। और साथ साथ म्यूजिक वगैरह के कंट्रोल आपको नीचे की तरफ और देखने को मिलेंगे। ऊपर की तरफ करूँ तो फिर यहाँ पे आपको डू नॉट डिस्टर्ब का मोड देखने को मिलता है। ब्राइटनेस वगैरह देखने को मिलती है, कितनी आप ब्राइटनेस रखना चाहते हो अपनी घड़ी की, कितनी नहीं रखना चाहते हो। यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट देखने को मिलती है जिससे ये फुल ब्राइटनेस के अंदर व्हाइट कलर के अंदर चलाता है। टू बी ऑनेस्ट इतना ज्यादा सही लगता नहीं है, लेकिन अगर आपको अंधेरे के अंदर होगे तो फिर आपका मदद जो है वो कर देगा। और यहाँ पे आपको मैसेजेस और नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं। अगर आप साइड में करते हो तो फिर यहाँ पे आपको पूरी की पूरी ऐप ड्रॉअर जो है वो देखने को मिलती है। ये भी जो है इससे कंट्रोल नहीं हो रही है, आपको इसी से ही कंट्रोल करना पड़ेगा अपने टच से। और एक एक करके आपको मोड जो है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलता है जिसके अंदर आपकी वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, क्लाइंबिंग, योगा और बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन सारी की सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। यहाँ पे स्विमिंग का भी ऑप्शन है क्योंकि वाली वॉच जो है वो वाटर रेजिस्टेंट है। यहाँ पे आपको IP68 की वाटर रेजिस्टेंट देखने को मिलती है, लेकिन ये जो है वो 5 ATM वाटरप्रूफ नहीं है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इसके साथ डीप स्विमिंग वगैरह करने की आपको, लेकिन आप कर सकते हो, ये आपका मेजर जो है वो कर देगी। यहाँ पे आपको ब्रीथ भी देखने को मिलता है जिसके अंदर ये बकायदा आपको ब्रीथ वगैरह करना सिखाएगा। अगर आपको एंग्जाइटी वगैरह के रिलेटेड इशूज़ हैं, अगर आपको PTSD वगैरह होती है तो ये वाली चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा काम की है। यहाँ पे आपको शटर बटन भी देखने को मिलता है जिससे कि आप अपने फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग भी देखने को मिलती है जो कि आजकल कोरोना के टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ पे आपको स्टॉप वॉच भी देखने को मिलती है, साथ साथ फाइंड माई फोन जिसके अंदर ये जो है आपके फ़ोन
होंगे, देन घंटी वगैरह जलाएगी। यहाँ पे आपको स्क्रीन स्लीप का ऑप्शन भी देखने को मिलता है और वॉच फेस भी आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे दुनिया भर के वॉच फेसेस जैसे कि आप लोग देख सकते हो अवेलेबल हैं। इसके अंदर ये वाला जो है वो सेट हुआ हुआ आता है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वॉच फेसेस जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। और मेरे ख्याल से आगे आने वाले दिनों में इसके अंदर कोई सा भी अपडेट वगैरह नहीं आएंगे, अभी तो सिर्फ और सिर्फ 8 वॉच फेस ही हैं। यहाँ पे आप रीसेट कर सकते हो, पावर ऑफ कर सकते हो, यहाँ पे QR कोड है ऐप वगैरह के लिए। तो ये काफी ज्यादा शानदार वाली बात है, मैं इसको जो है वो अपने फोन से कनेक्ट कर लेता हूँ। वाला ऐप जो है वो डाउनलोड होता है जैसे ही आप अपनी घड़ी के अंदर वाला जो QR कोड है उसको स्कैन करते हो, और एक बार आपने इसको कर दिया तो फिर ये पेयर जो है वो सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल जो है पूरी की पूरी सेटअप करनी पड़ेगी। तो मैं जो हूँ वो मेल हूँ ऑब्वियसली। और एक बार आपने ऐप को जो है वो सेटअप कर दिया जैसे कि आप लोग देख सकते हो, तो फिर यहाँ पर आपके गोल वगैरह बताना चालू कर देगा कि कितने आपके गोल वगैरह हैं, इधर की तरफ आपका स्टेप काउंट, कैलोरीज, हार्ट, ब्लड ऑक्सीजन मीटर और स्लीप वगैरह जो भी आपकी घड़ी के अंदर बता रहा है वो सब कुछ जो है यहाँ पर एक अलग UI के अंदर बताने लग जाएगा आपके फ़ोन के अंदर ही। यहाँ पर साथ ही साथ आप वॉच फेसेस इधर से भी चेंज कर सकते हो और इसके अंदर भी आपको 8 वॉच फेसेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे कि लोग देख सकते हो क्लाउड वॉच फेस लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप और भी ज़्यादा वॉच फेसेस यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। और टू बी ऑनेस्ट काफ़ी ज़्यादा वॉच फेसेस अवेलेबल है, मुझे इतनी उम्मीद ही थी बोट की तरफ से कि इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे वॉच फेसेस आपको अवेलेबल होंगे। अमेरिका से इससे ज़्यादा वॉच फेसेस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू दूसरी एंड्रॉयड वॉचेस या फिर आपको एप्पल वॉचेस के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये काफ़ी सस्ती है, 2500 के अंदर आपको इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो ये भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पे ओवरऑल रिव्यू देख सकते हो कि कितनी आपकी बैटरी जो है वो बची है। अभी वाली घड़ी जो है वो 6 दिन 15 घंटे जो है वो चल सकती है, जो कि अच्छी वाली बात है। यहाँ पे आप ऐप नोटिफिकेशन भी सेट कर सकते हो कि कौन कौन से ऐप से नोटिफिकेशन आपको चाहिए। यहाँ पे अलार्म का ऑप्शन है, फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन है, कैमरा वगैरह का ऑप्शन है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे कुछ सब कुछ जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ से आप सेल्सियस वगैरह भी ट्रिगर कर सकते हो कि आप कौन से वाले उसके देखना चाहते हो, और वेक वाले जेस्चर भी ट्रिगर कर सकते हो। पहले घड़ी जो है वो हाथ के ऊपर जो है वो वाकई में अच्छी लगती है ऑब्वियसली, लेकिन अगर आपका हाथ जो है वो थोड़ा सा पतला होगा तो इतनी अच्छी नहीं लगेगी, आपको थोड़ा सा हेल्दी हाथ ही जो है वो चाहिए। वेक जेस्चर जो है वो काम कर रहा है जैसा कि मुझे उम्मीद थी, लेकिन इसके अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का कोई सा भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेक जेस्चर ही यहाँ पे आपको आगे की तरफ देखने को मिल रहा है। अब घड़ी जो है वाकई में पहनने के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और यहाँ पर आपको व्यूइंग एंगल्स भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इसके अंदर IPS LCD डिस्प्ले आती है, AMOLED डिस्प्ले नहीं आती है, जिसकी ब्राइटनेस भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो धूप वगैरह के अंदर आपको देखने में हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और अब बात करूँ उसके स्लीप ट्रैकिंग डेटा की, तो फिर वो भी जो है वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। पे डीप स्लीप और REM स्लीप को ये अच्छी तरीके से एक्सटिंग्विश नहीं कर पाता है और मतलब ओवरऑल को बेसिक एनालिसिस दे देता है। तो 2500 के अंदर आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होनी भी नहीं चाहिए। स्टेप्स वगैरह भी जो है ये हल्के फुल्के मिस स्टेप आपको कर देगा। अगर आप नॉर्मल स्टेप वगैरह में इसको पहनते हो तो फिर तो सही है, लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं इसको पहन के रखूँगा और एट द एंड ऑफ द डे मैं अपना गोल जो है वो कंप्लीट कर पाऊँगा, तो ऐसा मत सोचना, क्योंकि आपको थोड़ी सी आइडिया बिठाना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर गाड़ी वगैरह पर चलते हुए भी ये जो है वो स्टेप गिन लेती है, तो उस बात का भी ध्यान रखना। अब यहाँ पे कॉल वगैरह के अंदर जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ऑप्शन आता है, ये वाले ऑप्शन से आप सिर्फ और सिर्फ कॉल को काट सकते हो, आप इसको उठा नहीं सकते। आपको अगर कॉल को उठाना है तो फिर आपको फ़ोन ही जो है वो छूना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका फ़ोन साइलेंट होगा तो अच्छी वाली बात ये है कि आपको बाकायदा वाइब्रेशन महसूस होंगे आपके अलार्म के और आपके कॉल वगैरह के। तो मैं यहाँ से उसको कॉल को काट देता हूँ और वहाँ पर भी जो है वो कॉल कट चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी वाली बात है। अब मैं बात करूँ इसके शटर बटन की, जो कि शटर बटन आपको इस वाली घड़ी के अंदर देखने को मिलता है आपके कैमरा का, तो वो वाला जो है शटर बटन आपके नॉर्मल कैमरा ऐप के ऊपर काम नहीं करेगा। यहाँ पे बोट ने ही अपने ऐप के अंदर एक कैमरा जो है वो इंटीग्रेट कर रखा है और उसके अंदर ही काम करेगा, वो भी थोड़ी सी लेटेंसी के साथ में। तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, ये वाला ऐप जो फीचर है शो ऑफ के लिए अच्छा है, अपने दोस्तों को दिखा सकते हो, लेकिन आप इसको प्रैक्टिकलिटी के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। ओवरऑल जो म्यूज़िक कंट्रोल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, आप गाने को आगे और पीछे कर सकते हो और पॉज और प्ले भी कर सकते हो, तो भी काफ़ी अच्छी वाली बात है कि आपके रिस्ट के ऊपर आपके सारे सारे म्यूज़िक कंट्रोल हो जाते हैं। ये वाला फीचर मैं एक तरीके को काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल मान सकता हूँ, क्योंकि अगर आप शावर करोगे इस वाली वॉच के साथ में, जो कि आप कर सकते हो टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इतनी ज़्यादा वाटरप्रूफ तो है ये वाली घड़ी, तो फिर आप अपने गाने वगैरह चेंज कर सकते हो ब्लूटूथ स्पीकर में, आपको बार बार अपने फ़ोन को गीला करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट घड़ी से ही चेंज कर सकते हो। ओवरऑल ये वाली घड़ी 2500 के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाली डील है और मैं रिकमेंड कर सकता हूँ इस वाली घड़ी को लेने की। इसका डिज़ाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रजेड है, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम है, और मैंने इसको खरीदने की लिंक जो है दे रखी डिस्क्रिप्शन में। आई होप आपके लिए वीडियो पसंद आएगी भाई, लाइक करना इस वाली वीडियो को, सब्सक्राइब करना, एंड दिस इज मिस्टर सनी को भाइयों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है
Yo, Shima.